मेरे प्यारे दोस्त, मैं अविनाश और आपका कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स में स्वागत है। ये क्लासेस इंडिफरेंट इंटीग्रेशंस की है। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है, इंटीग्रेट वन अपॉन वन प्लस साइन एक्स डी एक्स। सो इस क्वेश्चन का अगर हम डायरेक्ट इंटीग्रेट करने चाहें तो इसमें नहीं होगा, बट सिंपल सा अगर हम एक प्रॉपर्टीज अप्लाई कर लें तो ये अपने आप में काफ़ी सिंपल हो जाएगा। सेक एक्स सेम टाइप्स का क्वेश्चन आपके पास आ सकता है कि वन अपॉन वन प्लस कॉसेक एक्स। सॉरी, सो जो प्रॉपर्टीज हम वन प्लस सेक एक्स जो डिनोमिनेटर में इसके साथ अप्लाई कर रहे हैं, आप वही प्रॉपर्टीज वन अपॉन वन प्लस कॉसेक एक्स के साथ अप्लाई कर सकते हैं। सो यहाँ पर वन प्लस सेक एक्स दिया हुआ है तो हम इसको रैशनलाइज कर रहे हैं। यहाँ पर प्लस दिया हुआ है तो निगेटिव अपोजिट साइन से न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, फाइनल डी एक्स। सो ये टर्म्स वन इंटू मल्टीप्लाई ऑफ दिस वन, वन माइनस सेक एक्स, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर एक्स। सो सेक स्क्वायर एक्स, एक्चुअली जो फॉर्मूला होता है सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन आपका टेन होता है, दैट्स वाई इस स्टेप में हम न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर बोथ दोनों में माइनस कॉमन ले लेते हैं। सेक एक्स माइनस वन, यहाँ भी माइनस कॉमन ले लिया, सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स। सो माइनस माइनस कैंसिल, सेक एक्स माइनस वन अपॉन सेक स्क्वायर एक्स माइनस वन टेन स्क्वायर एक्स, नाउ इंडिविजुअल टर्म्स को सेपरेट करेंगे, सेक एक्स अपॉन टेन स्क्वायर एक्स माइनस वन अपॉन टेन स्क्वायर एक्स, और यहाँ जो टर्म्स है वो डी एक्स हो गया। सो इस टर्म्स को जब हम सिंप्लीफाई करेंगे, साइन कॉस में ब्रेकअप कर लें, सीक वन बाई कॉस एक्स और जो आपका टेन स्क्वायर एक्स है ये ऊपर चला जाएगा आपका, तो ये कॉट स्क्वायर एक्स में कन्वर्ट हो जाएगा। एंड माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स, यहाँ एक टर्म्स और लगेगा सिंप्लीफाई में, वन बाय कॉस एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। इस स्क्वायर से ये स्क्वायर कैंसिल, कॉस बाय साइन कॉट एक्स और वन बाय साइन कॉसेक एक्स, टर्म्स को सेपरेट कर लिया, माइनस कॉट स्क्वायर एक्स डी एक्स। यहाँ पर जो टर्म्स आपके पास है ये कॉसेक्स न्यूमिनेटर में, डिनोमिनेटर में साइन स्क्वायर एक्स है, सो कॉसेक्स बाय साइन एक्स कॉट एक्स एंड वन बाय साइन एक्स कॉसेक कॉसेक एक्स। नाउ इंटीग्रेशन ऑफ आपका कॉट एक्स इंटू कॉसेक एक्स जो होता है, माइनस कॉसेक एक्स होता है माइनस इंटीग्रेशन कॉट स्क्वायर एक्स का डायरेक्ट नहीं होता, तो आप इसको कन्वर्ट करेंगे तो इसे हम लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस वन डी एक्स माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स होता है, माइनस माइनस प्लस, तो ये प्लस कॉट एक्स हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस, वन का इंटीग्रेशन आपका एक्स होता है, प्लस यहाँ पर प्लस एक्स और लास्ट में
प्लस सी करेंगे, बिकॉज ये आपका इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है।